दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे बुखारों को जड़ से खत्म करने का रामबाण घरेलू उपाय। दोस्तों, बरसात का मौसम जितना सुहावना लगता है उतना ही यह हमारे लिए खतरनाक भी होता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है इस मौसम में होने वाले मच्छर और गंदगी। इन मच्छरों के कारण हर साल लाखों की संख्या में लोग मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बुखारों से पीड़ित होते हैं। कई मरीजों में यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है और मरीज की जान भी चली जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बुखारों को जड़ से खत्म करने के इस उपाय को बनाने का तरीका। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने हैं पपीते के पत्ते। पपीते के पत्ते आसानी से कहीं पर भी मिल जाते हैं। दोस्तों, पपीते के पत्ते डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे बुखारों को जड़ से खत्म करने में रामबाण का काम करते हैं। अब हमने इन पत्तों की ये वाली डंडी तोड़ लेनी है कुछ इस प्रकार से। इसकी भी तोड़ लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़े से पत्ते और ले लेता हूँ। इनकी भी डंडी हमने तोड़ ली है। फिर इसके बाद हमें लेना है ग्राइंडर और इन पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हमें इसमें डाल लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इन पपीते के पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल लिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा पानी कुछ इस प्रकार से। और पानी डालने के बाद अब हम इन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मैंने इन पत्तों का जूस बना लिया है। अब हमने इसे एक बड़ी छलनी की मदद से छान लेना है कुछ इस प्रकार से। और छानने के बाद अब मैं इसे एक अलग गिलास में निकाल लूंगा। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। यहाँ हमारा एक गिलास पपीते का जूस बनकर तैयार हो चुका है। और यही है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे बुखारों को जड़ से खत्म करने का रामबाण इलाज। दोस्तों, वैसे तो आप इसे खाली ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसमें एक चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। दोस्तों, इसमें शहद मिलाने से इसका जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर नई नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो ये देखिए दोस्तों, अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हमारे घरेलू नुस्खा पूरी तरह से तैयार हो चुका है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे बुखारों को जड़ से खत्म करने के लिए। अब जानते हैं कि हमें इसका सेवन करना कैसे है। दोस्तों, अगर आपको भी डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया जैसे बुखारों में से कोई बुखार है तो आपने मेरे बताए अनुसार इस उपाय को बना लेना है। और हर रोज सुबह के समय खाली पेट आपने इसका सेवन कर लेना है। और इसी प्रकार से रात को सोने से पहले भी आपने इसका सेवन करना है। दोस्तों, जब आप इसका सेवन करना शुरू करोगे तो आपको चाहे कैसा भी बुखार हो तो वह धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। और लगातार कुछ दिनों तक सुबह शाम इसका सेवन करने से आपके डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया जैसे बुखार की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।